अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मुकद्दस फातिमा और आप देख रहे हैं सहाफत की दुनिया। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही मुनफरिद और दिलचस्प सा सवाल। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आगे से अल्लाह ने बनाया है और पीछे से इंसान है? अगर आप भी जानते हैं इसका जवाब तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आए चलते हैं आवाम की तरफ और जानते हैं उनका जवाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मिर्ज़ा बाबर अली। क्या करते हैं आप? दरअसल बैदास माल पे सेल मैं नहीं करता। अच्छा, एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आगे से अल्लाह ने बनाया है और पीछे से इंसान? आगे से अल्लाह ताला ने, पीछे से इंसान ने। अमान अल्लाह। क्या करते हैं? स्टडी। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आगे से अल्लाह ने बनाया है और पीछे से इंसान? आगे से अल्लाह ने बनाया, पीछे से इंसान। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। ज़रा सोचें इस बारे में। नहीं। आप परेशान ही हो गए हैं। हाँ ना, ऐसा क्या चीज़ है? नहीं आ रहा। अभी बस मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों में, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, मिल चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। ये किसके लिए गाया आपने? ए फिर भी कोई बताना चाहेंगे आप? नहीं, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है? चलिए, अल्लाह आपको। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? दीवान मोहम्मद। क्या करते हैं आप? मेरा एक बिजनेस का है, मेरा कपड़ों के रिलेटेड मेरा काम है, उसका फैब्रिक के पॉइंट से मेरा काम। तो आप क्या कर? अभी वैसे थोड़ा सा आउटिंग के लिए आए हुए थे बाहर, इधर लिबर्टी का। मैंने कहा चलो एक राउंड लगा के आते हैं, देखते हैं हालात कैसे हैं मार्केट का, अभी तो खुली है या बंद है, इसी वैसे आउटिंग कह लिए आपसे। तो आप मुझे एक क्वेश्चन बताएं, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आगे से अल्लाह ने बनाया है और पीछे से इंसान ने? देखिए, ये एक बड़ा, मेरे ख्याल में इसको मैंने गधा रेडी का नाम मैं दे सकता हूँ। गधा रेडी एक होता है ना, जैसे डोंकी होता है और आगे डोंकी, वो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ। हाँ जी बिल्कुल। वो एक रेडी है, वो इंसान है। जी। अगर मैं इस सवाल में अगर पास हो गया तो मेरे लिए क्लैपिंग तो होनी चाहिए। बिल्कुल, ठीक है।